हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप फ्लिपकार्ट ऐप से कोई भी प्रोडक्ट को ऑर्डर करना चाहो, यानी कि कोई भी सामान को आप मंगाना चाहो, तो किस तरीके से आप घर बैठे ऑनलाइन करके फ्लिपकार्ट ऐप से किसी भी सामान को आप अपने घर कैसे मंगा सकते हो। आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट टाइम वेस्ट के। तो इसके लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने फ्लिपकार्ट ऐप को कुछ इस तरीके से ओपन कर लेना है। अब फ्लिपकार्ट ऐप को ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको टॉप साइड में एक सर्च ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसी सर्च ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है और इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, जिस भी प्रोडक्ट को आप ऑर्डर करना चाहते हो, यानी कि मंगवाना चाहते हैं, उसे आपको यहाँ पर लिख कर सर्च कर लेना है। तो जैसा कि मान लीजिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर एयरबोर्ड मंगाना चाहता हूँ, तो एयरबोर्ड इस तरीके से लिखकर मैं सर्च कर दिया, तो यहाँ पर बहुत सारे एयरपोर्ट देखने को मिल गए। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ से जिस भी प्रोडक्ट को आप ऑर्डर करना चाहते हैं, यानी कि जिसे मंगाना चाहते हो अपने घर, उसे आपको इस तरीके से क्लिक कर लेना है, इस तरीके से। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बाय नाउ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसी बाय नाउ के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब जब बाय नाउ के ऑप्शन पर आप क्लिक कर दोगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको स्किप एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा। तो स्किप एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे स्किप एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपका एड्रेस का ऑप्शन आ जाएगा। बट अगर आप पहली बार यहाँ पर ऑर्डर कर रहे हो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिलता होगा, जैसा कि मैं आपको अभी दिखा देता हूं। तो आपको इस तरीके का ऑप्शन देखने को मिलता होगा। तो फ्रेंड्स, यहां पर आपको एड्रेस में फुल नेम आपको यहां पर लिखना है अपना। उसके बाद यहां पर आपको जो सिम में आपका रिचार्ज होगा, यानी कि जिस भी मोबाइल नंबर में आपका रिचार्ज होगा, वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आ जाता है पिन कोड। तो फ्रेंड्स, आपको अपने एरिया का पिन कोड डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर स्टेट का ऑप्शन आता है, तो स्टेट का ऑप्शन यहाँ पर आपको डाल देना है। जो भी राज्य से हैं आप, उसे राज्य का नाम यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर सिटी का आ जाता है ऑप्शन, तो यहाँ पर आपको अपने ज़िले यानी कि डिस्ट्रिक्ट का अपने नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर हाउस नंबर आपको डाल देना है, बिल्डिंग नंबर जो भी होगा आपका यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आ जाता है रोड नंबर एरिया कॉलोनी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको अपने गाँव का नाम और अपने पोस्ट का नाम यहाँ पर आपको इस पैराग्राफ में डाल देना है। देन उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एड नियर बाई फेमस शॉप मॉल लैंडमार्क वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आप जो भी आपके घर के बगल में, जैसे कि हॉस्पिटल हुआ या कॉलेज कोई हुआ या मंदिर हुआ, इस तरीके से जो भी होगा आपका फेमस पैलेस आपके घर के बगल में, उसका नाम यहाँ पर आपको लिख देना है। देन उसके बाद फ्रेंड्स, आप अपने घर पे मंगाना चाहते हो या किसी जगह आप काम करते हो, उसने ऑर्डर को मंगाना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप काम करते हो किसी जगह, तो वहाँ पर मंगाना चाहते हो फ्रेंड्स, तो वर्क वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पर सेव एड्रेस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सारे एड्रेस को फिलअप कर लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर सेव एड्रेस के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। देन उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से पेज देखने को मिल जाता होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके यहाँ पर चेक कर लेना है कि कितने रुपए में आपका यहाँ पर देखने को प्रोडक्ट मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो 1499 रुपए का ये प्रोडक्ट मुझे मिल रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे कंटिन्यू के ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपका पेमेंट मेथड देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप UPI द्वारा तुरंत ही पैसे पे करना चाहते हो अपने प्रोडक्ट का, तो यहाँ पर ऐड बैंक एंड पे के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अगर आप चाहते हो कि कैश ऑन डिलीवरी करना, यानी कि अगर आपका सामान लेकर बंदा आए तभी आप पैसा दो, तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है और यहीं पर आपको एक कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। कैश ऑन डिलीवरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको पैलेस ऑर्डर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसी पैलेस ऑर्डर के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कन्फर्म ऑर्डर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसी कन्फर्म ऑर्डर के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही कन्फर्म ऑर्डर के ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर इस तरीके से जब चेक मार्क हो जाता है और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर ऑर्डर पहले से लिखा हुआ आ जाता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा, यानी कि आपका ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर अपने ऑर्डर को देखने के लिए फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ से बैक हो जाना है और बैक होने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको फ्लिपकार्ट को ओपन करना है और अपने ऑर्डर को देखने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ऑर्डर्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर आपको ऑर्डर्स पर क्लिक कर देना है। अब ऑर्डर्स के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, जो भी प्रोडक्ट को आपने ऑर्डर किया होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो कि वो प्रोडक्ट जो मैंने अभी ऑर्डर किया है वो यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि ऑर्डर कन्फर्म हो चुका है और किस जगह है, और यहाँ पर आप उसे देख भी सकते हैं कि किस दिन आपका डिलीवर्ड होगा, यानी कि किस तारीख को यहाँ पर आपको आपके पास मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर डेट देखने को मिल जाएगा और टाइम भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा।
तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आप फ्लिपकार्ट से किसी भी प्रोडक्ट को ऑर्डर करना चाहो, यानी कि कोई भी सामान को अपने घर बैठे ऑनलाइन मुझसे मंगाना चाहो अपने फ्लिपकार्ट ऐप से, तो इसी तरीके से। तो फ्रेंड्स ये रही छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल और नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।